नई दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा भारत के प्रसिद्ध मकबरों में से एक है, जिसका निर्माण हुमायूं की बेगम हामिदा बानो बेगम ने सन 1562 ईस्वी में कराया था। यह स्मारक फारसी और भारतीय शैली को मिलाकर बनाए गए सबसे पुरानी रचनाओं में से एक है। यह विश्व विरासत स्थल घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। हामिदा बानो बेगम के मरने के बाद उन्हें भी इस मकबरे में दफनाया गया था। इस इमारत को मुगलों की कब्रगाह कहा जाता है।